नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओला कैब अपने फ़ोन से बुक कैसे करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लोकल एरिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, इसके लिए हमें कोई भी सवारी नहीं मिलती है। तो इसके लिए ओला कैब आप बुक करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन में ओला कैब बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हेल्प वीडियो को देखने के लिए भी हार्ड टेक्निक का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ओला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में ओला एप्लीकेशन प्लस इंस्टॉल होगा नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ओला एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन करना है और अपनी मोबाइल नंबर डालकर उसको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना करंट लोकेशन को सर्च करना है, यानी कि आप जहाँ से जाना चाहते हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि हम जिस लोकेशन से जाना चाहते हैं, हम जिस लोकेशन पर भी आए उस लोकेशन को यहाँ पर हम सर्च करते हैं। दोस्तों, आपके नियरेस्ट में जो लैंडमार्क है उसको सर्च कीजिएगा ताकि वो आसानी से आपका एड्रेस पता चल सके। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस डाला है, यानी कि आप जिस स्थान पे जाना चाहते हैं, जिस जगह पर जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो हमें जिस स्थान पर जाना है, हम वो स्थान यहाँ पर उस जगह का नाम यहाँ पर सर्च करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम टैक्सी बुक करते हैं तो इसके लिए हमें 193 रुपये से 243 रुपये तक लग सकता है, यानी कि बड़े वाला हम बुक करेंगे तो हमें 243 रुपये लगेगा और उससे छोटा हम बुक करेंगे तो इसके लिए हमें 193 रुपये देना होगा। यदि हम बाइक बुक करेंगे तो हमें बाइक के लिए 42 रुपये देना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हम बाइक बुक करेंगे तो हमारे पास बाइक 8 मिनट में आ जाएगी और हम टैक्सी बुक करेंगे तो टैक्सी हमारे पास 9 मिनट में आएगी। तो आप जिसको बुक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जिससे कि हमें बाइक बुक करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, हमने बाइक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बाइक आएगी उसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कार बुक करेंगे तो उसका यहाँ पे नंबर दिखेगा कि कौन सी कार आपके पास आएगी और नीचे ड्राइवर का भी नाम लिखा होता है। आपको स्कॉट डाउन के नीचे आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड में कैश ऑलरेडी सिलेक्ट है, यानी कि जब हमारे पास कैब आएगी उस समय हमें पैसा देना होगा। यदि आप चाहें तो पहले पेमेंट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप पेमेंट करना चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा कैब बुक हो चुका है। इसके बाद आपके पास जो ड्राइवर आएगा उसका कॉल आता है आपके पास, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन पे कॉल आ चुका है। इस फ़ोन में आपको कन्फर्मेशन देना होता है, आपसे पूछेगा आपका जगह का नाम और अपना नाम तो बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि कहाँ पे आना है, आप जगह का नाम बताइएगा, वहाँ पर वो आ जाएंगे। तो आएँगे और आपको वहाँ से रिसीव करके आपको जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसके बाद आपको जितना वहाँ पर अमाउंट देखा है उतना ही अमाउंट आपको उनको दे देना है। दोस्तों, यदि आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको थ्री लाइनिंग पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको कैंसिल का बटन मिलेगा तो उस पर देखेगा आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ओला से कैब बुक कर सकते हैं। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम